तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। बट आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं और उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो हमने डिस्कस किए हुए हैं पहले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम देखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है? तो ब्रेन बच्चे जो है एक कम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे न्यूरॉन से मिलके बनता है। जो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो तीन मेन पार्ट है ब्रेन के बच्चे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम क्रोजन सिफालन भी बोल देते हैं। मिड ब्रेन को मीजन सिफालन भी बोल देते हैं। हाइंड ब्रेन को रोम्बन सिफालन भी बोल देते हैं। सो क्रोजन सिफालन, मीजन सिफालन एंड रोम्बन सिफालन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, तीन पार्ट आपको ब्रेन के नजर आते हैं। तो शुरू हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, दैट इज फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के आगे तीन पार्ट है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो फोर ब्रेन फर्दर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिब्रम एंड डायनसेफलन। इन दोनों को मिला के हम डायनसेफलन भी लिख देते हैं। इन दोनों को डायनसेफलन भी बोला जाता है। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डायनसेफलन। डायनसेफलन में थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आता है। बट फर्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। ये जो मेजर पोर्शन आपको 85% पोर्शन बनाता है ये ब्रेन का, टोटल मास ऑफ ब्रेन में से 85% जो है वो हमारा सेरिब्रम है। तो जो मेजर पार्ट आपको ऊपर नजर आ रहा है जिसका कन्वोल्यूटेड सरफेस है, कन्वोल्यूटेड मतलब रफ सरफेस है, ये आपको रिजेस एंड ग्रूव्स नजर आएंगे यहाँ पे। तो ये रिजेस एंड ग्रूव्स, तो कन्वोल्यूटेड सरफेस जिसका स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस आपको नजर आता है, मतलब इसमें ग्रूव्स भी है, रिजेस रिज और ग्रूव समझ लो आप। जैसे ये ऊपर कोठी होती है, दिस इज रिज, और ये जो इस तरीके से नीचे को होता है डिप्रेशन, दिस इज ग्रूव। तो आपको इस पूरे सेरिब्रल ब्रम के अंदर बहुत सारी रिजेस एंड ग्रूव्स नजर आएंगी। रिजेस जो होती है इसको हम बोलते हैं सल्कस एंड ग्रूव्स, सॉरी गायरस एंड हम ग्रूव्स को बोल देते हैं सल्कस। तो यहाँ पे आप सल्सी एंड गायरस, इन रिजेस एंड ग्रूव्स को क्या नाम दिया जाता है, गायरस और गिरी, एंड गिरी प्लूरल वर्ड है, गायरस सिंगुलर है, और सल्सी और सल्कस प्लूरल और सिंगुलर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस वे में बात कर रहे हो। तो पूरे सरफेस पे आपको बहुत सारी सल्सी एंड गायरस गिरी जो है वो नजर आएगी। दूसरे जो सेरिब्रल ब्रम है ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसी वजह से इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोल देते हैं हम। दो पार्ट के अंदर ये बटा होता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इधर वाला पोर्शन इस पोर्शन से कनेक्टेड रहता है कि नर्व ट्रैक के द्वारा। ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दांत नजर आ रहा है, दिस इज द नर्व ट्रैक विच इज कनेक्टिंग दिस पार्ट टू दिस पार्ट, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट कर रहा है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कोलेजम, दिस इज ए नर्व ट्रैक, दिस कॉर्पोरा कोलेजम इज ए नर्व ट्रैक।
तो कॉर्पोराक्लैजम दोनों राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में क्या कर रहा है जी, कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो दोनों को वो कनेक्ट कर रहा है। ये जो पोर्शन ऊपर से आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर का नजर आता है, ये ग्रे पोर्शन इसका नजर आता है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिस एंटायर सरफेस विच इज कवर्ड बाय अ न्यूरॉन और नर्व सेल्स के ऊपर है, और ऊपर से ये सरफेस आपको ग्रे नजर आता है। तो ऊपर आपको ग्रे कॉर्टेक्स जो है वो नजर आती है। आपको पता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सेल, नर्व सेल कौन सा है, अगर माइलिन शीथ है उसके ऊपर तो व्हाइट सेल दिखेगा, माइलिन शीथ नहीं है तो ग्रे दिखेगा। और दूसरा माइलिन शीथ जो होती है, जैसे ये हमारा सेल था, तो माइलिन शीथ यहां होती है सिर्फ, एक्सोन के ऊपर है ना, तो ये पार्ट आपको व्हाइट नजर आएगा। ये जो सेल बॉडी है ये आपको ग्रे नजर आएगी। तो ऊपर जो है, जहाँ तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो सारा का सारा ग्रे है, क्योंकि उसके ऊपर तो व्हाइट शीट है ही नहीं माइलिन की। तो यहाँ तो यहाँ वो पड़े हैं सारे के सारे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पड़े हैं, तभी ये कलर ग्रे है। एक जगह पे सारे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पड़े होंगे तो रीजन ग्रे दिखेगा, एक जगह पे सारे माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन पड़े होंगे इतना पोर्शन, तो वो सारा व्हाइट दिखेगा। तो जो ग्रे मैटर है वो ऊपर है, और ग्रे मैटर में क्या आता है, आप लिखोगे सेल बॉडी ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड ऑल अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो आपको ब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर के सरफेस में नजर आते हैं, तो जिसकी वजह से ये ऊपर का पोर्शन सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आपको ग्रे नजर आती है। व्हाइट मैट्रिक्स के अंदर है, डीप इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको ये पोर्शन नजर आएगा। एक्सॉन्स ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट डीप इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट्स वाई दैट पोर्शन ऑफ ब्रेन और सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या नजर आता है आपको, व्हाइट नजर आता है। तो ग्रे मैटर ऊपर है, व्हाइट मैटर क्या है नीचे है। ग्रे मैटर क्यों है वो, क्योंकि जहाँ तो वहां पे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स पड़े हैं, जहाँ सेल बॉडीज पड़ी है किसकी जी, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, वहां पे आपको सेल बॉडीज नजर आती है। सो नेक्स्ट जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाद, और सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम का काम की अगर हम बात करें तो क्या काम है, तो फंक्शंस की अगर हम सेरिब्रम की बात करेंगे तो एंटायर जो आपकी इंटेलेक्ट है, लैंग्वेज स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन है, हमारी मेमोरी है, ये सारा कुछ यहाँ पे सेरिब्रम के पास है। तो सारी चीज़ें जो है वो सेरिब्रम देख रहा है, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलेक्चुअल, आपका ब्रेन जितना है, तो जितना बड़ा इसका साइज होएगा उतनी ही आप शार्प ज़्यादा होंगे, उतनी इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, उतनी मेमोरी ज़्यादा होएगी, उतनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होंगे। और दूसरा, ये रिजेस और ग्रूव्स क्यों है यहाँ पे, क्यों ये लाइन सीधी क्यों नहीं है, ये डिप्रेशन क्यों है, या ये रिज क्यों है, सल्सी और गैरस का क्या काम है। तो बच्चे देखो, एक लाइन इतनी है और एक लाइन ऐसे है उतने ही एरिया में, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने नंबर ऑफ सेल वहां पे क्या आएंगे, ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा आएंगे। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा होंगे तो आपकी मेमोरी ज्यादा होगी, इंटेलिजेंस ज्यादा होगी। तो सल्सी और रिजिस जो हैं ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वहां पे क्या हो, ज्यादा हो। दूसरा, इसका साइज अगर ज्यादा होएगा तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा आएंगे, तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा आएंगे तो आपकी मेमोरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बड़े सर वाले जो लोग होते हैं वो इसलिए ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो दूसरा, आपका फोरब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज डायथैलेमस, जिसके दो पार्ट हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ये बच्चे एसोसिएटेड एरिया इसके पास आपको देखने को मिलेंगे,
एसोसिएटेड एरिया क्या होते हैं, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करती है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती है, जैसे मुझे कोई टच कर रहा है तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जा रही है और वापस कौन दे के आ रहा है सिग्नल, मोटर न्यूरॉन दे के आ रही है। पर ब्रेन का एक पार्ट होएगा ना, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन इधर से सिग्नल आ रही है और इधर से मोटर न्यूरॉन जा रही है, तो बीच का पार्ट होएगा ब्रेन का जहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस करते हैं। तो थैलेमस इज ए प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ सेंसरी इनपुट्स। तो थैलेमस का काम है जितने भी सेंस ऑर्गन से हमारी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी उसको प्रोसेस करके उस तरीके से रिस्पॉन्ड करवाना। तो ब्रेन हमारा उस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ थैलेमस। तो वो थैलेमस का काम है। तो एसोसिएटेड एरिया इसके पास, यहाँ पे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जो है वो आपस में क्या होती है, कनेक्ट करते हैं, ये कह सकते हो आप। तो थैलेमस है वो एसोसिएटेड एरिया, यहाँ पे सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस किया जाता है और मोटर न्यूरॉन जो है वो सिग्नल लेके फिर वापस जो है वो भेजी जाती है। और डैन शेफिन का दूसरा पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये आपका थैलेमस है बिल्कुल इसके नीचे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, और ये उसके नीचे आपको हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के साथ ही एसोसिएट होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हम इसके जो लास्ट चैप्टर है हमारा इसके बाद उसमें पढ़ेंगे हम। तो हाइपोथैलेमस से ही एक्सटेंशन हुई है उसकी, ये कह सकते हैं हम कि हाइपोथैलेमस की ही मॉडिफाई होके एक पिट्यूटरी ग्लैंड में बना है। तो हाइपोथैलेमस जो है ये आपको थैलेमस के नीचे जो है वो नज़र आता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस जो है हमारी टेम्परेचर को कंट्रोल करना बॉडी की, हमारी अर्ज ऑफ ईटिंग, आपको कब भूख लगनी है, कब आपको प्यास लगनी है, ये सारे काम किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग कब पानी पीना है, प्लस प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स। हालांकि हॉर्मोन प्रोड्यूस करना काम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का होता है, बट हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है, और हॉर्मोन प्रोड्यूस करके ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हार्मोन रिलीज करेगी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेंगी तो बाकी सारी ग्लैंड्स अपने हार्मोन रिलीज करेंगी, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर्स ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की सारी ग्लैंड से काम करवाती है, बट वो बाकी ग्लैंड्स काम तब करेंगी जब पिट्यूटरी ग्लैंड उनको सिग्नल भेजेगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल तब भेजेगी जब हाइपोथैलेमस बोलेगा। हाइपोथैलेमस कैसे सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे जाएगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और आगे चल के पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो आपका लिवर है, पनक्रियाज है, टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, थायराइड है, एड्रिनल है, उनको किस तरीके से वो जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये हमारे हाइपोथैलेमस के काम है, ये बॉडी टेम्परेचर, ड्रिंकिंग और ईटिंग जो अर्ज है इनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा हमारे फोर ब्रेन का क्या काम है, हाइपोथैलेमस के साथ मिलके कुछ हमारे फोर ब्रेन का एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। और फोर ब्रेन हैव अ लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम जो है उसका क्या काम है, लिम्बिक सिस्टम में होता क्या है, अमिगडाला प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलके एक लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं जो हमारा इमोशंस जो है, इमोशनल बिहेवियर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। सेक्सुअल डिजायर, इमोशंस, फियर, एंगर, ये सारा कुछ काम किसके कंट्रोल में, लिम्बिक सिस्टम के कंट्रोल में है। तो हमारे एक्चुअल में अगर हम फोर ब्रेन के काम देखें तो कम्युनिकेशन है आपके, है ना, लैंग्वेज स्किल्स हैं, लर्निंग है कि किस तरीके से नई चीज़ें सीखनी है, तो अगर कोई चीज़ लिखी हुई है उसको पढ़ना है तो वो भी इसके कंट्रोल में है। मतलब जितना भी एसोसिएटेड है हमारी मेमोरी के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, कम्युनिकेशन हमारे स्किल्स हैं, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, हमारा फियर है, एंगर है, सेक्सुअल बिहेवियर है,
और इसके अलावा बाकी जो अर्ज ऑफ ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, ये सारे काम कौन कंट्रोल कर रहे हैं जी? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के ये सारे काम आपको देखने को नजर आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन बच्चे हमने डिस्कस कर लिया, उससे पहले एक थोड़ी सी बात डिस्कस करनी रहेगी कि ब्रेन हमारा लोकेटेड है हमारे स्कल में। तो यहाँ पे स्कल में तो हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बोन्स होती हैं, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, है ना। तो ये सारी बोन जो है, पैरेटल बोन, ये सारी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। बट ब्रेन की खुद की प्रोटेक्टिव लेयर भी है, ब्रेन की खुद की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, जिसको हम बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजस। तो ब्रेन की खुद की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं उनको हम नाम देते हैं क्रैनियल मेनिंजस, जो तीन सब लेयर से मिलकर बनती है। मतलब ये एक जो क्रैनियल मेनिंजस है, ये तीन लेयर्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। ये तीन लेयर जो है ऊपर से देखने में एक ही कवरिंग है, तो एक कवरिंग जो है क्रैनियल मेनिंजस ये तीन सब लेयर से मिलकर बनती है। आउटर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर, जो कि हार्ड होती है। सो ड्यूरा मैटर इज आउटर मोस्ट लेयर। दिस ये जो ब्लू वाली लाइन आपको नजर आ रही है दैट इज कॉल्ड एज रेटिनॉइड मेम्ब्रेन। और जो ब्रेन के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड है, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, बिल्कुल अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज पिया मैटर। तो तीनों मिलके आपकी एक कवरिंग बना रही है, इसको हम बोलते हैं क्रैनियल मेनिंजस। इसका काम क्या है जी? प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन को किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है, इंजरी से जो है ये कह सकते हैं आपके प्रोटेक्ट करती है। और तीनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। और इस स्पेस के अंदर क्या होता है बच्चे? इस स्पेस के अंदर होता है एक फ्लूड जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। तो यहाँ पे एक फ्लूड भरा हुआ है, इस फ्लूड का नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। ये शॉक अब्सॉर्बेंस का काम करता है। ये क्या है जी? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका काम है शॉक अब्सॉर्ब करने का, ताकि आपके ब्रेन को कोई भी इंजरी जो है वो ना हो सके। तो ये क्रैनियल मेनिंजस के बारे में पता होना चाहिए कि ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, तीन सब लेयर से बनती है, ड्यूरा मैटर, रेटिनॉइड मेम्ब्रेन एंड पिया मैटर। कई बार इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसकी वजह से डिजीज होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिनजाइटिस। जो ब्रेन की मेनिंजस की डिजीज है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन मेनिंजस इज कॉल्ड एज, और क्रैनियल मेनिंजस इज कॉल्ड एज मेनिनजाइटिस। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जब डिजीज वाला टॉपिक पे आएंगे तो क्या है। तो फोर ब्रेन के सेरिब्रम पहला पार्ट है, और सेरिब्रम जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो हम देख चुके हैं। सेकंड पार्ट बच्चे जो हमारा है ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। तो यहाँ पे आपको मिड ब्रेन नजर आ रहा है। ये जो जैसे आपकी मशरूम होते हैं उस तरीके की बॉडी है इसकी, इसमें मिड ब्रेन और हेड ब्रेन छुपा हुआ है नीचे, ऊपर से स्टॉक जैसे छुपी हुई, और ऊपर से मशरूम का पूरा हेड आपको नजर आता है। तो वैसे ही सेरिब्रम हेमिस्फीयर जो है वो पूरे नीचे वाले पोर्शन ऑफ ब्रेन को जो है वो कवर कर लेते हैं। तो सेकंड पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड एज मेजर सिंपथेटिक नर्व, दैट इज मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के पास जो मेन काम है बच्चे, मिड ब्रेन का मेन काम है हमारे आई से जो सिग्नल जा रहा है, हम आपके ईयर से जो सिग्नल जा रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। तो विजुलाइजेशन एंड हीयरिंग रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारे, वो आपके मिड ब्रेन के पास है। मिड ब्रेन के पास जो है फोर ब्रेन स्टेम्स, हम उसको बोलते हैं, जो फोर गैंग्लिया बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के चार गैंग्लिया होते हैं इसके पास बच्चे। जो हमारे दो गैंग्लिया हैं वो हियरिंग आइज के साथ एसोसिएटेड है, और दो जो हैं वो हियरिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो मिड ब्रेन का मेन काम
विजन एंड हियरिंग। तो ये मेन दो काम आपका मिड ब्रेन जो है वो करता है कि ये विजन और हियरिंग के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। थर्ड क्वेश्चन हमारे ब्रेन क्या है बच्चे, हैंड ब्रेन जिसको हम रोमन सिफालन बोलते हैं। तो इसमें तीन पार्शन आपको नजर आ रहे हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मोटोरा। सेरिबेलम की अगर हम बात करें, ये भी हालांकि साइज में बहुत छोटा है सेरिबेलम से, पर दिखने में उसके जैसा ही है। इसका भी कन्वोल्यूटेड सरफेस है, स्मूथ नहीं है। सेम पर्पज से रिजेस और बोन्स इसके पास हैं ताकि नंबर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल जो है इसमें ज्यादा हो सके। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बेटर नंबर ऑफ सेल्स होंगे, उतना ज्यादा बेटर फंक्शनिंग जो है वो आपकी इसकी हो सकती है। जितने भी हमारे मसल्स थे, जो हमारे वॉलंटरी मसल्स थे, वो इसके कंट्रोल में है। हाथ हिलाना है, मैं तो मुझे ये बोल रहा है, बोलना है तो मुझे यहाँ से सिग्नल आ रहा है। सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारी कम्युनिकेशन, हमारी स्पीकिंग, हमारा इंटेलेक्चुअल, हमारा सब कुछ, और प्लस हमारे वॉलंटरी मसल्स का जो कंट्रोल है वो भी इसके हाथ में है। बट हमारे जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, नॉन वॉलंटरी मसल्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम है आपके सेरिबेलम का। जो मसल मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सेरिबेलम। प्लस सेरिबेलम हमारा कंट्रोल करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मैं अगर खड़ा हूँ बिल्कुल सीधा, तो इसका जो लर्निंग फेज है, जो सीखा है इसको कैसे करना है, कैसे चल के जाना है मुझे, तो वो सेरिबेलम है। शुरू शुरू में जब आप चलना सीखते हो तो थोड़ा लटकाते हो, फिर सेरिबेलम सीख जाता है कि चलना कैसे, तो फिर आपकी बॉडी को, आपके सिस्टम को इस तरीके से वो कंट्रोल करता है। तो आप साइकिल चलाना सीखते हो वो भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो बैलेंस मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, वो किसका काम है, नहीं सेरिबेलम का। अब जो लोग बहुत ज़्यादा दारू पी लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा पी लेते हैं, तो अल्कोहल क्या करते हैं, हमारे सेरिबेलम को डिप्रेस कर देती है, बंद कर देती है। तो शराबी जो भी हैं, जिसने ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, तो उसको चलना ही वो भूल जाता है, चलना कैसे है, तो लड़खड़ा के चलता है। तो उसके लड़खड़ा के चलने का रीज़न ये है कि जो अल्कोहल होती है वो सेरिबेलम को बंद कर देती है। तो इसी वजह से फिर उसकी जो कोऑर्डिनेशन है, लेग मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये है सेरिबेलम का काम। दूसरा है पोन्स एंड मेडुला। पोन्स और मेडुला जो है, ये पोन्स और ये नीचे जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा हम इसको बोलते हैं, इसके नीचे यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी नीचे से। तो एक तो मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, दूसरा पोन्स और मेडुला के पास जो है ये मेनली हमारे, इनके पास रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, जो मेरी रेस्पिरेशन है कि मुझे एक मिनट में कितने टाइम सांस लेना है। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेटरी रेट को कम भी किया जाता है, किसी में बढ़ाया जाता है। तो वो जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स है कि मेरी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग, तो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो भी इन्वॉलंटरी है, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम कर रहे हैं। तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। पोन्स एंड मेडुला का काम है हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बनाना, और दैट मीन्स हमारे रेस्पिरेटरी रेट को कम या ज़्यादा करना, डिपेंडिंग अपॉन दी नीड ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है। और जो मैंने आपको वहाँ पर भी देखा था, हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, कि पोन्स के पास जो है या मेडुला ऑब्लोंगाटा के रीजन के अंदर आपको कीमोरिसेप्टर्स नज़र आते हैं, जो कि सेंस कर लेते हैं कि CO2 का लेवल मेरी बॉडी में ज़्यादा है, तो वो फिर रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं ताकि एक्सपिरेशन ज़्यादा हो, और एक्सपिरेशन ज़्यादा होगी तो CO2 बाहर जाएगी, और इंस्पिरेशन भी ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो ये सारे काम कंट्रोल करने का काम किसका है बच्चे, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा का। तो ये है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स कौन कौन से हैं, और ब्रेन के हर तीनों हिस्से जो हैं, तीनों रीजन जो हैं मेन, तीनों के क्या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स सेक्शन।